हरी ओम सर। हरिओम जी, नमस्ते सभी को। सदा रहो हंसते। तो आज हम हठयोग प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में आ गए, फोर्थ चैप्टर ऑफ हठयोग प्रदीपिका। और इस फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाधि के बारे में। समाधि क्या होता है, कुछ राज्यों का छोटा सा कंसेप्ट आएगा, और जो सबसे मेजर है इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट, वो है नाद अनुसंधान। ये जो चार स्थितियां होती है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था, जहां से बहुत कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके एग्जाम में, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम एक बार समाधि को पढ़ लेते हैं। प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी साउंड ठीक से आ रही है, मेरी स्क्रीन सबको प्रेजेंट है। यस सर, ठीक है सर। यस सर। ओके जी, ओके, थैंक यू। चतुर्थ उपदेश हठयोग प्रदीपिका। नमः शिवाय गुरवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति, या फिर या इति नित्यम यत्र पायण है। इसका मतलब नाद बिंदु और कला स्वरूप उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है, कि शिव जी को यहाँ पे आदिनाथ माना गया है। एक्चुअल में वो बहुत बड़े योगी थे शिव जी, जो तपस्या करते थे, समाधि अवस्था में रहते थे हमेशा वो, इसलिए उनको आदिनाथ माना गया है हमेशा। योग के हठ योग के जो प्रारंभ है उन्होंने किया, तो इसलिए जो भी प्रारंभ करने वाला होता है तो हमेशा जो जिस फाउंडर जो होता है उसको सभी लोग याद रखते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का हो। जो फाउंडर होता है, जिसने शुरुआत की, तो यहाँ पे हठयोग की जो शुरुआत शिव जी ने की, इसलिए आप जिस भी देखोगे, कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, गोरक्षनाथ जी का ग्रंथ हो, हठयोग प्रदीपिका हो, गैरेंट संहिता हो, हर जगह पे देखो मेंशन किया गया है गुरुओं को। गुरुओं को हमेशा नमस्कार किया जाता है, तो शिव जी को सबसे बड़ा गुरु माना जाता है योग में। इसलिए आप जब भी देखेंगे किसी भी चैप्टर का, ऑलमोस्ट जो पहला जो श्लोक होता है किसी भी ग्रंथ का, पहला श्लोक उठाना हठयोग में, हमेशा गुरु नमन से शुरू होती है चीजें। तो यहाँ पे शिव जी को तीन तीन उनके अंदर शक्तियां बताई गई है, याद रख लेना। ये सीक्वेंस पेपर में आ सकती है कि शिव जी के तीन स्वरूप क्या है, नाद बिंदु कला, अर्थात ये तीनों के तीनों चीजें उसके अंदर आ चुकी हैं, वो जीत चुका है। और जिनके अहिरनेस भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त करता है, मतलब कि उनके आशीर्वाद से, उनकी वजह से। अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया को कहता हूं। अब समाधि क्या होती है एक्चुअल में, उसके बारे में बताएंगे। एक्चुअल में समाधि क्या है, जो मरणशीलता का नाश करती है, ठीक है, सुख का उपाय है, पर ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। तीन चीजें यहाँ पे बता दी गई है। समाधि की जो विशेषता क्या है, मरणशीलता का नाश करने वाली है, अर्थात समाधि अवस्था में प्राण को निरुद्ध कर दिया जाएगा। जब प्राण निरुद्ध हो जाएगा तो अपने आप ही श्वास प्रश्वास रुक जाएगा, श्वास प्रश्वास रुक जाएगा तो अपने आप ही व्यक्ति की आयु लंबी हो जाएगी। इस आधार पर प्राणशीलता का नाश हो जाता है। सुख का उपाय है, क्योंकि उस समय वो मनोन्मनी अवस्था वाली स्थिति में होगी, चित्त के अंदर एक्स्ट्रा वृत्तियां उत्पन्न नहीं होगी, चित्त वृत्ति हो चुकी होगी समाधि की स्थिति के अंदर, तो अपने आप ही
सुखी सुख रहेगा, क्लेशों की कमी होगी, पर ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। कुंडलिनी जो है ऊपर शिव स्थान में जाके मिल जाएगी, तो उसी को ब्रह्म स्थान में बहुत बोला गया है, समाधि अवस्था में प्राण ऊपर की तरफ शिव में अवस्थित हो जाएगा तो पर ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर श्लोक है, इस श्लोक को सभी लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हिंदी में याद करोगे फिर वही गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको श्लोक से सभी लोग पढ़ेंगे। ये है पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं समाधि के, इतने सारे पर्यायवाची शब्द समाधि के मैंने किसी भी ग्रंथ में नहीं देखे, अटक प्रदीपिका में बताए गए। राजयोग है समाधि उन्मनी च मनोन्मनी अमर्तम लेस तत्त्वम शून्य शून्यम परम पदम अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्ति से सहजा तुरिया चेतक वाचक, यानी कि चेतक वाचक। ये सभी शब्द एक ही हैं, सभी के सभी पर्यायवाची हैं। क्या राजयोग शब्द, जहां जहां पर भी राजयोग शब्द कहा गया है समझ जाओ समाधि है। समाधि अपने आप में समाधि को तो सब लोग जानते ही है। उन्मनी शब्द जहां पर यूज किया जाता है समझ जाओ वो भी समाधि है। मनोन्मनी भी समाधि है। अमृतम शब्द भी समाधि है। लय भी समाधि है। तत्व भी समाधि है। शून्य शून्य भी समाधि है। परम पद भी समाधि है। अमनस्क भी समाधि है। अद्वैत भी समाधि है। निरालंब समाधि, निरंजन समाधि, जीवन मुक्ति समाधि, सहजा समाधि, तुरिया, कुछ भी शब्द आ सकता है एग्जाम में। इस तरीके से क्वेश्चन बता बन सकता है, निम्न में से समाधि का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। तो मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, आप सभी लोग पहचानेंगे, लय, निरंजन, द्वैत या तुरिया, बताइए। द्वैत सर, द्वैत। द्वैत का अर्थ बताएंगे क्या होता है? मींस सर दो, सर दो होता है सर, अद्वैत परब्रह्म एक है करके इधर द्वैत दिया, मतलब दो रूप बताएं। वेरी गुड वेरी गुड। द्वैत का मतलब जब दो हो, आत्मा और परमात्मा जो जब अलग अलग चीजें मानी जाती है तो उसको द्वैत बोलते हैं। बोलते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, उसको अद्वैत बोलते हैं। तो अद्वैत को समाधि बोलते हैं। जैसे साकार और निराकार में भी भैसे होती है ना, साकार वाले मूर्ति को मानते हैं फिर बोलते हैं भगवान है, अलग अलग द्वैत है, वो द्वैत परंपरा को मानते हैं जो साकारेश्वर की उपासना करते हैं, मूर्तियों को पूजन करते हैं, तो द्वैत है। लेकिन जो अद्वैत है, जो निराकार परब्रह्म को मानते हैं, वो अद्वैत यानी कि समाधि अवस्था, वो हाई लेवल की अवस्था होती है। निराकार उपासना बहुत कठिन होती है। वैसे दयानंद जी जिसके उपासक थे, ये क्वेश्चन याद रखना, पेपर में आ चुका है, वैसे दयानंद सरस्वती किस साधना के पक्षधर थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? निराकार, निराकार पर ब्रह्म की। ठीक है, अब समाधि के डिफाइन किया गया अलग अलग एग्जांपल्स के द्वारा कि समाधि क्या होती है। थोड़ा मैं थोड़ा फास्ट भागूंगा। जैसे नमक पानी में मिल जाता है उसके साथ एक रूप हो जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कहेगी। नमक और पानी जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। नमक सॉलिड मटेरियल से, पानी पूरा का पूरा लिक्विड है, लेकिन जब उसको मिल जाता है और देखते हैं दिखने में दोनों के दोनों अलग हैं। लेकिन आप लोगों ने नमकीन पानी पिया होगा, नमकीन पानी पूरा का पूरा उसका टेस्ट ही अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम उनको समीप से देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, तब हमें पता चल, दिखने में चाहे पता लगे चाहे ना लगे,
लेकिन जब उसको टेस्ट करते तो पता चल जाएगा नमक और पानी है, तो नमकीन पानी है भैया, ये ठीक पानी नहीं है, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे हो जाता है। ठीक इसी प्रकार समाधि की अवस्था में आत्मा और मन दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में आप सबको पता है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक रूपता ऐसे लगने लग जाता है कि आत्मा मन दोनों एक हो चुके हैं। आगे क्या बताया कि यदा संसियते प्राणो मानसम च प्रलीयते तदा समर सत्तुम च समाधिर विधीयते। इसका मतलब जब प्राण क्षीण मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, चित्त का अर्थार्थ यहाँ पे क्या बताया गया है, चित्त का आप सामान्य यहाँ पर चित्त का अर्थ आप सुनने से समझिए, इस परिपेक्ष में, इस भाव से, जिस भाव से लाइन लिखी गई है, यहाँ पे चित्त का अर्थ क्या है सुनने। जब प्राण क्षीण मंद होकर के यानी कि सुषुम्ना में जा करके वहां पे शून्य में चला जाता है, तब दोनों एक रूप हो जाते हैं और उसको समाधि कही जाती है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता और समता हो जाने पर इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है, वही समाधि कही गई है। देखिए समाधि के अलग अलग डेफिनेशन है, इतने सारे डेफिनेशन है यहाँ पे। जीवात्मा परमात्मा दोनों एक रूप हो जाना, सिर्फ इच्छा मात्र का, वैसे उसकी अब इच्छा रह गई है, बस वो कुछ थोड़े बहुत संस्कार रह गए हैं, कितनी आयु है, इसका मतलब वो धर्म में एक समाधि वाली अवस्था पे चला गया। आगे जा करके जब चाहेगा, जितना जीवन थोड़ा सा रह गया है, वो जीवन पूरा करके अपने शरीर का त्याग कर देगा और समाधि को प्राप्त कर लेगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। राजयोगस्य महात्म में को वा जानती तत्वतः ज्ञान मुक्त ही स्थिति ही सिद्धि गुरु वाक्यन लभ्यते। राजयोग की महत्ता को कोई विरला ही यथार्थ रूप से जानता है। राजयोग का अर्थ जल्दी बताइए क्या है? समाधि। वेरी गुड, राजयोग का मतलब समाधि, यथार्थ शब्द एक्चुअल समाधि को बहुत कम लोग जानते हैं। ज्ञान मुक्ति स्वरूप स्थिति सिद्धि ये सभी गुरु के मुख से ही मिलते हैं। अब ये सीक्वेंस याद करना जी भैया, पेपर में आने वाले पॉइंट है ये वाला, कि गुरु के मुख से क्या मिलते हैं, ज्ञान मुक्ति स्वरूप स्थिति और सिद्धि, चारों की सीक्वेंस याद करना, और चारों के अलावा अगर पांचवा कुछ आ जाए तो वो नो है आंसर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सबको याद होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे गुरु के मुख से क्या चीजें मिलती हैं? ठीक है, बिल्कुल याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। दुर्लभ सर पहले श्लोक इन्होंने बताया था कि केवल हट योगाय राजयोग उपदिश्यते, ऐसा कुछ श्लोक था कि हट योग के लिए राजयोग बोला गया, अभी हट समाधि को ये बोला केवल राजयोग आये, केवल राजयोग आये हट विद्योपदिश्यते नॉट हट योग। हाँ, एक ही बोल रहे हैं, यहाँ तो कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, वहां पे क्या बताया गया समझ, ध्यान से दिए, ये फर्स्ट उपदेश का सेकंड श्लोक है, केवलम राजयोग आये हट विद्योपदिश्यते, यानी कि ये जो मैं हट योग का उपदेश दे रहा हूं, मैं यानी कि स्वात्मा राम, जो स्वात्मा राम ने हट योग प्रदीपिका नामक जो ग्रंथ लिखा गया है, केवलम राजयोग आये, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। और राजयोग का अर्थ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, क्या है राजयोग का अर्थ, समाधि, ये आसन, षटकर्म, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, मुद्रा, ये सभी अभ्यास बताए थे। अगर आपको समाधि अवस्था नहीं मिलती है तो सभी के सभी निरर्थक है, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसको। आगे क्या बताया कि हाँ सर, हम जो योग सूत्र में समाधि पढ़ते हैं और ये समाधि में अंतर है या सिर्फ प्रोसेस वाला अंतर है? देखिए सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव व्यू है,
जैसे योग की बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, व्यास भाषा में योग समाधव है, व्याकरण के अनुसार तीन अलग चीजें बताई गई है, उपनिषदों में अलग है, शिव संहिता में अलग है, योग की बहुत सारी डेफिनेशंस है ना, यानी कि अलग अलग राइटर जो चीज समझते हैं वो उसी तरीके से बताएंगे। इसी तरीके से समाधि की डेफिनेशन जो स्वात्मा राम जी ने समझी उन्होंने अपने शब्दों में बता दी, ये इनके अकॉर्डिंग है। योग दर्शन की डेफिनेशन अलग है, सभी का अलग अलग रेफरेंस के साथ याद करो कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला। बिना सदगुरु के दया के विषयों का त्याग दुर्लभ है, ठीक है, विषयों का त्याग यानी कि चित्त की जो वृत्तियां हैं, एक्स्ट्रा जो अटैचमेंट है जो बार बार हम अटैच हो जाते हैं, बिना सदगुरु की कृपा के वो नहीं हो सकता। यथार्थ ज्ञान, एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज, चाहे वो परमात्मा की हो, चाहे वो हठ योग की हो, किसी भी चीज की हो, सही ज्ञान अगर आपको मिलेगा तो गुरु के सानिध्य से ही मिलेगा, अर्थात गुरु के बिना आपको मास्टरी नहीं हो सकती, परफेक्टनेस नहीं आ सकती जब तक गुरु तो आपको समझाएगा नहीं अच्छे से, आप अपने डाउट्स अपने टीचर से नहीं लोगे तब तक एक्चुअल नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। जैसे खिचड़ी मुद्रा में, उसमें वज्रोली मुद्रा में हुआ कि जब तक आपको कोई अच्छे से गाइड नहीं करेगा, बिना गाइडेंस के बिना भटकते रहोगे, बिना गाइडेंस के बिना एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बिना गाइडेंस के बिना कोई भी चीज नहीं हो सकती, ठीक है। दुर्लभ है, सहजावस्था की प्राप्ति भी दुर्लभ है। सहजावस्था जो है अभी हमने पढ़ा था, ये भी सहजा किसको बोलते हैं जल्दी बताइए, सहजा किसके बोलते हैं? समाधि, 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 ये भी समाधि ही है। देखिए शब्द अलग अलग करके आएंगे तो समझ जाना मतलब वही है, यानी कि विविध आसन, अनेकों प्रकार के जो आसन बताएं, विविध कुंभक, इतने सारे कुंभकों का वर्णन किया, विविध मुद्राएं बताए गए, इन सबों के अभ्यास के द्वारा कुंडली को जगाने पर कुंडली जग जाएगी, प्राण सुनने में लीन हो जाता है। आगे क्या बताया कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद, अब कुंडली जागृत हो चुकी है, संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को अपने आप ही सहजावस्था प्राप्त हो जाती है, अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, उसने सभी चक्रों का भेदन कर लिया, अपने आप ही समाधि की अवस्था, सहजावस्था, राजयोग की अवस्था, वो तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाएगी। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप चित्त शून्य में चला जाता है। चित्त शून्य में, इसका मतलब क्या हुआ? शून्य यहाँ पे सुषुम्ना बताया गया है, और सामान्य से आप ये समझिए कि उसमें किसी भी प्रकार के थॉट्स नहीं आएंगे, वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी चित्त की, चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होता है, तो तब साधक सभी क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है, मतलब कि उसकी कोई अटैचमेंट नहीं रहती है, संस्कारों से मुक्त हो जाएगा वो। जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर है, चर यानी कि जो विचरण करने वाले सजीव, अचर यानी कि जो विचरण नहीं करते, जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया है, यानी कि यहाँ पे मतलब कि काल से बताया गया है कि जो योग का साधक होगा, जिसने समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, कौन कर लेगा? वो योगी प्राप्त कर लेगा। ऐसे योगी को स्वात्मा राम जी प्रणाम करते हैं कि वो महासाधक है जिसने ये अवस्था प्राप्त कर ली है। कोई हजारों करोड़ों में कोई एक होता है जिसको ये अवस्था प्राप्त होती है, आप हमें ही लगा के चल लो, इतने सारे लोग, हजारों लाखों लोग योगा सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, बीए किया, डिप्लोमा किया, एमए किया, पीएचडी किया, कितने लोगों को समाधि अवस्था प्राप्त हुई है? लाखों करोड़ों में कोई एक विरला होगा ना,
कई लोग तो जानने की भी कोशिश नहीं करते ये होती क्या है, और जान लेते हैं तो फिर कुछ घर की परिस्थितियां, कुछ सामाजिक प्रेशर, तो चाहते हुए भी वो माया में फंस जाता है और नहीं कर पाता साधना। हम सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो कोई विरला, कोई हजारों करोड़ों में एक होता है जो अच्छे तरीके से जानता है और उसको अपने ऊपर लागू करता है। चित्त में समता हो जाने पर प्राण सुषमना में चला जाता है, तब अमरोली वज्रोली सहजोली प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब कि देखिए, अमरोली वज्रोली सहजोली ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यानी कि कोई भी क्रिया हो योग की, जब तक प्राण सुषमना में अच्छी तरीके से प्रवाहित नहीं होगा, हमारा चित्त जो है शांत नहीं होगा, कुंडलिनी के द्वारा चक्रों का भेदन नहीं होगा, तब तक वो सारी एक्टिविटीज अधूरी है। जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है, बाहर मतलब कि जैसे अभी आप लोगों का श्वास प्रश्वास चल रहा है ना, बाहर की तरफ एक्जलेशन जा रहा है, तब तक प्राण बाहर प्रवाहित है, चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती। मतलब कि जब तक ये पहचान है, सेकंड उपदेश का सेकंड श्लोक कोई सुनाएगा मुझे, वहां से कोरिलेट करूंगा मैं इसको। इसी को याद है, सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवे योगी स्थानु आपनोति ततो वायुं निरोध्यते। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझे आप? प्राणी के चलने से चित्त चलेमान होता है और प्राणी के रुकने से चित्त रुक जाते हैं, ऐसा भी। वेरी गुड। ये फॉर्मूला है मन को कंट्रोल करने का। कई लोग बोलते ना कि मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के द्वारा स्वात्माराम जी ने दिया है फॉर्मूला कि हाउ कैन वी कंट्रोल अवर माइंड। अच्छे से समझ जाओ इस फॉर्मूले को। चले वाते चलम चित्तम, जब तक श्वास प्रश्वास चलित है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन चल रहा है, चले वाते चलम चित्तम, तब तक हमारा चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार, सामान्य मन ले लेते हैं, तब तक हमारा मन चलायमान है। अर्थात मन में विचार आते रहेंगे। कब विचार आते रहेंगे? जब तक हमारे श्वास पर श्वास चल रही है। निश्चले निश्चलम भवेत, जब हम इसको निश्चल कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे इनहेलेशन को, केवल कुंभक की अवस्था जब तक नहीं आएगी, केवल कुंभक की अवस्था जब तक नहीं आएगी, अर्थात श्वास पर श्वास जब तक हमारा रुकेगा नहीं या बहुत धीमी नहीं होगा, तब तक हमारा मन कंट्रोल नहीं हो सकता। आप लोगों को एग्जाम्पल मैं देता हूं कुछ। किसी के आपने किसी का झगड़ा होते हुए देखा है, या आप जब गुस्से में होते हो, या आपने आपको आपका कभी झगड़ा हुआ होगा, तो आपकी श्वास पर श्वास कैसी होती है, जरा कोई बताएगा? क्यों तेज हो जाती है? और तेज होने के दौरान उस आदमी की मन की स्थिति क्या होती है, कोई बताएगा? मन में बहुत भागता है सर, नहीं होता, विचार बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, बहुत बहुत फास्ट विचार आते हैं मन में, विचलित हो जाता है मन। अच्छा, योग निद्रा की हाई स्टेज में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, उस समय श्वास पर श्वास की स्थिति क्या होती है? बंद हो जाती है सर, योगेंद्र। ध्यान की उच्चतम अवस्था में श्वास पर श्वास कम होता है, और उस समय मन की क्या स्थिति होती है? मन शांत हो जाता है। यही ये चले वातम चले चितम, वो वाला फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ आपको। जब तक हमारे श्वास पर श्वास, हमारे जितने श्लोक जिसकी श्वास पर श्वास चलेंगे, उसका मन उतना कंट्रोल में रहेगा। जितने श्वास पर श्वास तेजी से रहेंगी, उसका मन उतना ज्यादा चंचल होगा,
चंचल होगा, चंचल अस्थिर होगा वो उतना ज्यादा, एक्साइटमेंट उसके अंदर उतनी ज्यादा होगी। तो अपने श्वास पर श्वास को धीरे धीरे कंट्रोल करो, कम करो। सामान्य हम एक मिनट में 15 बार सांस लेते हैं, उस रेशो को धीरे धीरे कम किया करो। हिरण संहिता में बताया ना रेशो, धीरे धीरे बढ़ाओ कुंभक को। जैसे जैसे कुंभक बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा, और जैसे जैसे माइंड कंट्रोल में आएगा ना, वैसे वैसे एक्स्ट्रा विचार, स्ट्रेस, टेंशन, सब चीजें दूर हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो हमने माइंड को कंट्रोल करने का फॉर्मूला पढ़ा आज। यहाँ पे हो गया, तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे होगी? अर्थात जब तक उसका चित्त शांत नहीं होगा, तब तक उसको राइट नॉलेज मिल ही नहीं सकती। क्या किसी को गुस्सा आया हुआ है, उसके श्वास तेजी से चल रही है, वो हाँफ रहा है, क्या उसको उस समय ज्ञान मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। अभी आप लोग जो भाग भाग के, मैं बोलता हूँ किचन में, बस में, जो लोग क्लास लेते हैं, मैं क्यों बोलता हूँ, एक जगह स्थिर होके क्लास लो। उससे क्या होगा, स्थिरता से एक कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। और कॉन्सेंट्रेशन क्यों बनेगी? क्योंकि जब आप आराम से एक जगह बैठोगे तो आपकी श्वास पर श्वास बिल्कुल आराम से चलेगी, आराम से चलेगी, तो आप पूरा फोकस होके स्टडी कर सकते हो। जो चीज मैं बोलूंगा वो अच्छे से आपके मन के अंदर जाएगी, अच्छे से आप उसको समझ जाओगे। और जो लोग भागते हुए किचन में, खाना देते हुए, बाइक पे, इस तरीके से जो क्लास लेते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी बच्चों के मुकाबले वो 50% भी कैच नहीं कर पाते हमारी बातों को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है सारे कंसेप्ट। इसलिए अच्छे से स्थिर होके क्लास लिया करो, कोई भी चीज क्यों ना हो, तभी तत्व ज्ञान मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जो साधक प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा, अर्थात एक दूसरे में मिला लेगा, अर्थात कम कर लेगा, प्राण का आवागमन कम कर लेगा, चित्त में आने वाले विचार कम कर लेगा, वही पुरुष या वही साधक मोक्ष को प्राप्त करेगा। ठीक है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज होगी, मोक्ष से पहले ज्ञान ले लो आप, पहले ज्ञान मिलेगा, उसके बाद वो ज्ञान ऐसे भाग भाग के क्लास लेने से नहीं मिलेगा। सब बिजी होते हैं, हम समझते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप स्थिर नहीं होगे, कभी आप वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, कभी नहीं क्लियर होगी। स्थिर होना बहुत जरूरी है। नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठकर सुषमना के यथार्थ भेदन को जानकर प्राण को सुषमना में प्रविष्ट कराकर ब्रह्म रंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। आगे बताया कि सूर्य और चंद्र, दिन और रात, सूर्य को दिन बोलते हैं, चंद्रमा को रात की संज्ञा दी गई है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि चंद्र को हम तमस भी बोलते हैं और सूर्य को रजस से संबोधित किया जाता है और सुषमना को सत्व से संबोधित किया जाता है। और नदी की बात करते हैं तो चंद्र को गंगा नदी बोलते हैं, सूर्य को यमुना नदी बोलते हैं और सुषमना को सरस्वती नदी की संज्ञा दी जाती है। के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, हाउ कैन वी इंक्रीज अवर एज। एजिंग का जो फैक्टर है उसका फॉर्मूला है ये, जल्दी बताओ कौन क्या समझ पाया इस लाइन से? प्राण की गति सर कम हो जाए, अर्थात केवल कुंभक लग जाए तो हमारा हमारी आयु बढ़ती है। जैसे जिनकी सांस कम चलती है, कछुआ और वो, तो उनकी एज इसलिए लंबी होती है हाथी और कछुए की। वेरी गुड, जितनी तेजी से श्वास प्रश्वास होगी जिस भी व्यक्ति की, उसकी आयु उतनी कम होगी। अच्छा, श्वास प्रश्वास कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी उसकी आयु,
श्वास प्रश्वास जितनी ज्यादा होगी उसकी एज उतनी कम होगी। वैसे ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इससे क्या होता है एज कम होती है, श्वास प्रश्वास चल रही है। मैं डेथ वाली उसकी बात नहीं कर रहा हूं भैया, मैं निरुद्ध करने की बात कर रहा हूँ। निरुद्ध जानबूझ के की जाती है, वो डेथ वाली वो ऑटोमेटिक होती है। उसी काल को खाने वाले सुषुम्ना में है, ये गुप्त रहस्य कही जाती है। अर्थात जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम के द्वारा प्राण को हमने निरुद्ध कर लिया, अब वो प्राण हमारा सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है, तो काल को खाना मतलब कि हमारा जो धीरे धीरे हमारा जो एजिंग फैक्टर बढ़ रहा है वो वहीं रुक जाएगा। और यही कारण है जो हमारे योगी लोग हैं वो हजारों हजारों साल जीते थे पहले। जो आदिनाथ शिव को हम बोलते हैं वो आज भी जीवित है, क्योंकि वो हमेशा समाधि अवस्था में रहते हैं शिव, इसीलिए वो आज भी जीवित है। उनकी आयु का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो हमेशा उनका प्राण सुषुम्ना में रहता है। द्वासप्तति सहस्त्राणि नाड़ी द्वारिणी पंजरे सुषुम्ना सांभवी शक्ति ही से शास्त्र वेग निरर्थक कहा कि 72,000 नाड़ी द्वार हैं, शरीर में नाड़ियां हैं, उनमें परमात्मा की मुख्य शक्ति सुषुम्ना नाड़ी को सबसे विशेष माना गया है, बाकियों को निरर्थक माना गया। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट एक है। जैसे हम इंडिया की बात करेंगे तो हम अपने राष्ट्रपति को सबसे पहले मानते हैं, पहला व्यक्ति है, सबसे मेन है, प्रधानमंत्री सबसे मेन है, जो जो सबसे मेन पर्सन होता है ना, सबसे पहले उसको ही, उसके नाम से ही चीजों को जाना जाता है। हालांकि वैल्यू औरों की भी होती है, लेकिन उसके मुकाबले बाकियों की कम होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मान लो एक प्लेन में कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री बैठा है, चीफ मिनिस्टर बैठा है, राष्ट्रपति बैठा है और कुछ और लोग बैठा है, और एक ही पैराशूट है और प्लेन हो गया खराब, तो सबसे पहले किसको बचाया जाएगा? राष्ट्रपति को, जो सबसे मेन पर्सन होगा सबसे पहले हमेशा उसको बचाया जाता है, मेन को। इसलिए इसी आधार पे यहाँ पे सुषुम्ना को सबसे मेन बताया गया है, बाकियों को वैल्यू कम कर दी गई है। हालांकि सबकी अपनी वैल्यू होती है, बाकियों से समाधि नहीं प्राप्त होती ना, इसलिए उनकी वैल्यू कम कर दी गई है। और यहाँ पे तो मेन पर्पज ही हमारे समाधि को पाना है। चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण है, प्रवृत्ति मतलब कि जिसकी वजह से, देखिए अब हम योग में पढ़ते हैं चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्ति सारूपेण मित्रत्व है, कि जब तक हमें जो है समाधि अवस्था नहीं प्राप्त होती, योग दर्शन में स्पष्ट बताया गया तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान, तब तक जो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता, तब तक जो चित्त होता है अपने वृत्तियों के अकॉर्डिंग अपने आप को मानते हैं, जैसे वृत्तियां ऐसा हम अपने आप का स्वरूप मानते हैं। अब वो वृत्तियों का कारण देखो यहाँ पर बताया गया है, वहां पे संस्कार को माना गया है योग दर्शन में, और यहाँ पे कि चित्त हमारा वृत्तियां क्यों उत्पन्न होती है उसके दो कारण यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए कितना डीप टॉपिक टच किया इन्होंने, समझ के देखो तो स्वात्मा राम जी ने, वासना और प्राण, इन्होंने इन दो कारण माने। ये दो चीज हैं जिसकी वजह से हमारा चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। वो दो चीज कौन कौन सी हैं? वासना और प्राण। हाँ, इनमें से एक भी अगर नष्ट हो जाए तो दोनों नष्ट हो जाती है। या तो वासना को कंट्रोल कर लो या फिर प्राण को कंट्रोल कर लो।
नहीं कुछ नहीं छोड़ा हमने, सीधा चल रहे हैं। अब वासना को सामान्य रूप से हम सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करना मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो तो सिर्फ एक पार्ट है। एक्चुअल में वासना बहुत तरीके की होती है, फिजिकल, मेंटल। एक तरीके से जो तीव्र इच्छा होती है किसी भी व्यक्ति की, तीव्र इच्छा, मुझे तो शरबत पीना है। अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन गायब हो गई, नेटवर्क गया। अरे क्या हो गया एकदम से? उसकी तीव्र इच्छा हो गई सर। किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। अच्छा, डेटा खत्म हो गया उसका भैया, वेटर की तीव्र इच्छा शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, उसको वासना बोलते हैं। वो कोई भी चीज को ना, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी अच्छी है, तीव्र इच्छा वासना। और वासना के अलावा दूसरा हमने पॉइंट यहाँ पे जाना, प्राण। अब भैया हम तो साधारण मनुष्य हैं, इच्छाएं करना तो हमारा काम है। एमए हो गया तो नेट जीआरएफ हो जाए, नेट जीआरएफ हो जाए तो पीएचडी एडमिशन हो जाए, पीएचडी एडमिशन हो जाए तो अच्छी शादी हो जाए, अच्छी शादी हो जाए तो अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे आगे बढ़े, घर बने, परिवार बने। इच्छा कभी समाप्ति नहीं होती है, तो उसको तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इच्छा तो कंट्रोल नहीं हो पाती, चाहे को कितना ही क्यों ना बोल रहा हो, मुझे नहीं लगता कि इच्छा कंट्रोल किसी की होती होगी। बड़े बड़े साधु महात्मा भी, उनकी भी एक तो इच्छा रहती है, भगवान को मैं पाल लूं, मुझे शांति मिल जाए। वो भी तो इच्छा ही है, शांति मुझे मिल जाए। इच्छा तो हमेशा हर किसी की रहती है। तो वासना को कंट्रोल करना तो असंभव की तरह है। मोक्ष की इच्छा तो उनकी भी रहती है। तो दूसरा उपाय क्या है? अगर वासना तो चलो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरा क्या उपाय बताया है? प्राण। प्राण, प्राण को हम कंट्रोल कर सकते हैं मेथड के द्वारा, जान करके, समझ करके प्राण को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं फोन से पढ़ाता हूँ आपको, आप मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं फोन से ड्राउन स्क्रीन ऑन करता हूँ। तब तक आप में से कोई एक किसी कंसेप्ट को दोबारा से समझाओ, वासना और प्राण को, एनीवन। कोई भी आप सामने, बताइए, वासना और प्राण को समझाइए कोई आपके सामने। सर मैं बताऊं? जी बताइए। वासना और प्राण, ये हमारे जो दो चीजें हमारी वृत्तियां है, चित्त वृत्ति, चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होने के दो कारण है। और जब तक वासना, हम इसे कह सकते हैं, हमको किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा जो होती है उसे हम वासना कह सकते हैं। और प्राण तो हमको पता है, जैसे चले वाते चले चित्तम, जब तक ये सब रहेगा तो हमारा चित्त, चित्त में विचार कंटिन्यूअसली रहेंगे। तो जब तक इन दोनों का, एक का भी इसमें से नाश हो तो दूसरे का अपने आप नाश हो जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है। सर क्या प्राण भी चित्त की वृत्ति हो सकता है? प्राण, प्राण को लेना छोड़ना वो वृत्ति मान सकते हैं, चित्त की वृत्ति। श्वास प्रश्वास क्यों होता है? आपने चित्त की वृत्ति बोला है ना, श्वास प्रश्वास, ये तो क्रिया है भैया, ये वृत्ति थोड़ी बोलेंगे इसको।
अभी उन्होंने बोला था ना, मैम थी वो कह रही थी प्राण और वासना दो चित्त की वृत्ति होती है, तो मैं ये पूछ रहा था नहीं, सर कि प्राण भी चित्त चित की वृत्ति है क्योंकि क्रिया है ये तो। कारण बताए, क्रिया है ना, तभी तो कारण है जी ना, क्रिया है, एक्टिविटी है ये, इन एक्टिविटी के द्वारा वृत्तियां उत्पन्न होती है, समझ आया कुछ? सर आप प्रवृत्ति बोल सकते हो। अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब वही है, वही चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण है, यानी कि इसकी वजह से चित्त जो है चलायमान होता है, चित्त में परिवर्तन होते हैं। योग दर्शन में समझाया जाता है जैसे कि ये तालाब है और तालाब को चित्त मानते हैं। हमारा चित्त जब तक शांत है तब तक ही तालाब का पानी शांत है, लेकिन जैसे इसमें कोई पत्थर डाला जाता है, मान लो इसमें कोई पत्थर फेंक दिया, तो इसमें लहरें उत्पन्न होती है। ये जो लहरें होती हैं जो पूरे तालाब में जाती है, इस तरीके की लहरें, ठीक है, इन्हें को ही चित्त वृत्तियां बोलते हैं, वृत्तियां। तो यहाँ पे पत्थर कारण था ना, और यहाँ पे वासना और प्राण को हम कारण मानेंगे। अब समझ आया? ओके, सर आपके कहने का मतलब है कि प्राण एक क्रिया है और उस क्रिया के द्वारा वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, ऐसा ना? यस, बिल्कुल सही। इसलिए बताया कि चले बाते चलम चित्तम, प्राण को कंट्रोल कर लो, वृत्ति अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि वो तो कारण है ना, वो पत्थर है ना जिसकी वजह से तालाब में लहरें उत्पन्न हुई। कारण को ही दूर खत्म कर दो, जाल लगा दो उसके ऊपर, आएगा ही नहीं पत्थर तालाब में, हवा नहीं आएगी, वन कैसे पानी हिल जाएगा, लहरें नहीं बन पाएंगे बिल्कुल भी, जब तालाब के अंदर कुछ गिरेगा ही नहीं, हवा भी नहीं स्पर्श करेगी, तो तालाब तो शांत रहेगा ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। जहां मन लीन होता है वहीं प्राण भी लीन होता है, जहां प्राण लीन होता है वहीं मन भी लीन होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्राण मन को कंट्रोल कर लो, प्राण अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, प्राण को कंट्रोल कर लो, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ पे आप भक्ति योग के साथ में भी देख सकते हैं, जो भक्त होता है, बहुत बड़ा साधक होता है, उसका मन अच्छी तरीके से कंट्रोल में होता है उनका, तो उनको अलग से प्राणायाम करने की नीड नहीं है। अगर उन्होंने भक्ति के द्वारा या किसी और एक्टिविटी के द्वारा अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, साक्षी जी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो भक्ति योग पे काम कर रही है, तो उनके प्राण अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, अभी वो उत्तम कोटि की भक्ति चाहिए उसके लिए, तभी वो कंट्रोल हो पाता, अदरवाइज नहीं हो पाता। जहाँ प्राण लीन होता है वही, अब प्राणायाम के द्वारा तो हम लोग पढ़ते ही हैं भैया, प्राणायाम करो, प्राण का निरोध करो, ये सबसे आसान टेक्निक है जिससे मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई भी इस टेक्निक को कर सकता है। दूध और पानी के सम्मिश्रण की तरह चित्त और प्राण समान क्रिया वाले हैं। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वही मन की प्रवृत्ति होगी, वही बातें कही गई है, श्वास पर श्वास अगर जितना ज्यादा होगा उतना मन चंचल होगा, जितना श्वास पर श्वास कम होगा मन उतना ही शांत होगा। जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहां प्राण की प्रवृत्ति होगी, उन्हीं लाइनों को देखो, घुमा 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 के कही गया है, कंसेप्ट वही है सारा, चले चले बातें चलम चित्तम वाला। अब ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, ये तीन चीजें बताई गई है इसमें। हे पार्वती, यानी कि शिव जी बता रहे हैं यहाँ पे, मूर्छित गंध, मूर्छित पारद, यानी कि जो गंधक है, पारद का मैं एग्जैक्ट अर्थ नहीं बता सकता, तो अभी आप शब्द से याद कर लेंगे पारद, ठीक है, और क्षीण धीमी गति वाले, इसका सामान्य जो अर्थ लिया जाता है ना, पारद का पारा से लिया जाता है, पारा,
जो पारा होता है ना, आप लोगों ने जो बुखार टेस्ट करवाया होगा, जब बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर एक मुंह में देता है निडल लगाने के लिए, उसमें पारा होता है। और पारा की एक क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है पारा की, थोड़ा सा भी उसको टेम्परेचर में बदलाव मिलेगा, उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे पारा के अंदर। किसमें बदलाव? टेम्परेचर में। और इसी चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर लोगों ने पारा के द्वारा, हम बीपी चेक करते हैं, फीवर चेक करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के ऊपर। थर्मामीटर थर्मामीटर यूज करते हैं, वेरी गुड। तो जो मूर्छित पारद है ठीक है, और छिन्न प्राण व्याधियों को नष्ट करता है, यानी कि अब यहाँ पे सही मिलान आएगा पेपर में, मूर्छित पारद का सही मिलान, मूर्छित पारद का सही मिलान आप सीधा जाएगा, और प्राण क्षीण प्राण इसके साथ में सही मिलान जाएगा, और मृत पारद। तो 25th हाँ और जी, 26th तो आपने छोड़ दिए क्या? नहीं नहीं इसमें कहीं गायब? हाँ सर, हाँ ऐसे गायब है सर, ओहो, 25 26 गायब अच्छा, है, मैं तो वही मैं देख रहा था, इसमें पारद वाला ना इससे पहले कंसेप्ट और आना था। अच्छा, वो अगले पेज में तो नहीं है शायद, इस पीडीएफ में गड़बड़ हो रखी है। सभी के पास नहीं है सर, पीडीएफ में ही है प्रॉब्लम। इस पीडीएफ में प्रॉब्लम है, मेरे पास किताब है नहीं भैया, मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, किताब मेरी बेंगलोर बुक है। में सीक्वेंस मैंने नोट्स बना रखे सीक्वेंस गुरुजी, मैं है सर। शो करूँ? सर इसमें 20 नीचे, 20 21 जो छूटा था बीच में वो अभी नीचे दिखा था जब आपने स्क्रॉल किया है। अच्छा, यहाँ पे फिर आ गया। तो हाँ वो चल, मैं अभी हरियाणा में हूँ और वो सर आपको यही प्रॉब्लम है हुई जो थी इसलिए, श्लोक हाँ 26 याद है, बता रहे। हाँ तो प्रॉब्लम थी इसलिए फिर मैंने डिसीजन लिया, भैया जैसे तैसे पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, किताब तो है नहीं मेरे पास, तो डायरेक्ट आप लोगों के सामने पीडीएफ पढ़ता हूँ और आप लोगों को समझा देता हूँ। ऐसे पारा और मन दोनों स्वभावतः चंचल है, देखो मैंने इनडायरेक्टली आपको बता ही दिया था, पारा पारा जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, जैसे मन होता है ना, बहुत ही थोड़ा सा भी कुछ भी होएगा मन में विचार आ जाएंगे अलग अलग तरीके के, ऐसे टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम ज्यादा होगा, जो पारा होता है मरकरी जो होती है उसमें चेंज आ जाएगा मरकरी के अंदर। यदि पारा और मन दोनों स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में क्या नहीं हो सकता, अरे इन दोनों को कंट्रोल कर लो, और कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, टेम्परेचर अप डाउन होगा ही होगा, कुछ भी कर लो आप, कितना ही एसी चला लो, कुछ देर के लिए होगा, बाद में अप डाउन होना ही होना है, प्रकृति का नियम है। तो मूर्छित पारद यानी कि जो मूर्छित गंधक शोधित जो पारद है, अब एग्जैक्ट मूर्छित का मीनिंग यहाँ पे किस तरीके से लेंगे, हम इस तरीके से ले सकते हैं कि वो पारा जिसकी सारी एक्टिविटी समाप्त होगी, यानी कि पारा के पीछे जो कारण है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है, वो पूरी तरीके से मूर्छित हो गया है, वो पारा है ही नहीं, दिख रहा है पारा लेकिन पारा है नहीं है वो, अब वो सेंसिटिविटी उसकी चली गई है टेम्परेचर के लिए, वो वाले पारे की बात की गई है, मूर्छित पारद। और प्राण क्षीण सारे के सारे व्याधियों को नष्ट करता है, और मृत पारद भस्म किया हुआ पारद, जला दिया उस पारे को मरकरी को, और लीन प्राण वायु मनुष्य में जीवनी शक्ति देता है। और तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है, इसको आप ना ऐसे सही मिलान की तरह लिख लेना अपने नोट्स में, और विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ ठोस पारद और कुंभित प्राणवायु साधक को
प्रदान करता है। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, मैं खालिस्तान छोड़ता हूँ पहले, खालिस्तान पारद, ठीक है, एवं लीन प्राणवायु से जीवनी शक्ति मिलती है। ऑप्शन ए मूर्छित, ऑप्शन बी मृत, और ऑप्शन सी ठोस। मृत और इस तरीके से सही मिलान आ सकता है, जैसे ए बी सी, मूर्छित पारद ए, मृत पारद बी, और ठोस पारद सी, और आपके सामने कॉलम मिल सकते हैं जीवनी शक्ति, व्याधि एवं अंतराकाश। इस तरीके से सही मिलान पेपर में आ सकता है, तो हर एंगल से इसको पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज पेपर में आने की। टाइम हो गया हमारा, तो हम आगे नहीं जाएंगे। पारद का मतलब क्या है? पारा मरकरी, भैया मरकरी कितनी बार बताया? नहीं यहाँ पर क्या है मतलब, यहाँ पर जो पारद वर्ड यूज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? मरकरी, क्योंकि मरकरी बहुत सेंसिटिव होता है, एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए। okay. और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी पारद ही है, थेरेपी की दृष्टि से दिया गया है। यहाँ हो भी सकता है कि इसका अर्थ कुछ और हो, शायद मुझे ना पता हो, आप ठीक कह रही है। ओके okay? लेकिन सामान्य रूप से पारा ही अर्थ होता है, इसलिए हम पारा ही बताएंगे। जी बताइए सर। जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे कि जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो पारे में परिवर्तन होता है, तो सर जैसे कि ऐसे ही यदि हम मन में कोई परिवर्तन होता है या मन में कोई वृत्तियां आती हैं तो हमारे चित्त में परिवर्तन होता है जी। नहीं, उनका पॉइंट बहुत अच्छा था, वो पॉइंट सच में वो बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था अभी। पारा यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि वहां पे बताया गया है ना कि जो पहला जो पारद है और क्षीण वृत्ति वाला है, उससे व्याधियां नष्ट होती है, तो इनका एग्जैक्ट पूछ रही है वो पारद वहां पे क्या है जिससे बीमारियां नष्ट हो सकती है, इस तरीके से इनका क्वेश्चन है। एग्जैक्ट वो पारद क्या है सर जी? वो पारद है ना, वो मर्क्यूरी ऐसा ही उन्होंने वहाँ बताया है, यानी कि जो मूर्छित है ना वो इन इनफेबल्ड होता है, स्टेबलाइज होता है डिसीज रिमूवल, और जो मृत होता है वो कम्प्लीटली स्टॉप्ड, बर्न इनटू एशेस लॉन्गिटिविटी, एंड थर्ड होता है वो ठोस होता है, वो बाउंड होता है, सॉलिफाइड फॉर्म में होता है, मूविंग इन स्काई, ऐसा मैंने हठ योग प्रदीपिका की जो ज्ञान शंकर सहाय की जो बुक थी ना उसमें पढ़ा था, कैवल्य धाम की। ठीक है जी, आपने ये क्वेश्चन है किसी डॉक्टर से पूछना जो एक्सपेरिमेंट करता होगा मरकरी के ऊपर, वहां से शायद हमारा अच्छे सेंसर निकल आए, जो मरकरी के ऊपर रिसर्च करता होगा कि मृत को मूर्छित कर दे, अमृत कर दे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वहां से आंसर आएगा हमारा। सर इसमें नाम एक शोधित जो गंधक आ रहा है ना, तो गंधक तो ठोस होती है ना, फिर उसके लिए पारा के लिए यूज हो रही है वो गंधक, तो क्योंकि ठोस फॉर्म में होते गंधक तो। बिल्कुल, ज्यादा जो चीजें है ना वो उसी तरफ की तरफ जा रही है, फिर भी मैं तो फिर भी रिसर्च की तरफ बताऊंगा, अगर किसी का कोई अच्छा जानने वाला डॉक्टर है जो इन पे काम करता है तो उनसे डिस्कस करें और फिर हम सब लोगों को बताना, डिस्कस करते हैं सब, ठीक है? चलिए यहीं तक हम पढ़ेंगे आज, अब यहाँ तक अपने डाउट्स ले लीजिए। हाँ जी निशा जी। सर वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैं ये विशिष्ट प्रक्रिया से ये जो ये वाला ठोस वाला पारद है मैं इसका एक बार समझ नहीं पाई, प्लीज बता दीजिए। ठोस वाला पारद जी, लास्ट का जो है इसका, ठोस का मतलब विशेष प्रक्रिया से बंधा हुआ ठोस पारद। ठोस पारद का हम यहाँ पे वही बात, तो वही तो बहस चल रही है कि पारद है क्या मैडम इतनी देर से। अभी आप शब्दों को याद रखिए, जब आप में से
कोई उसे हम किसी नतीजे पहुंचेंगे तो सबको बताएंगे, आप सभी का काम है ये, जिन जिन के कॉन्टेक्ट है डॉक्टरों के साथ। सर ठोस यानी बाउंड, हाँ जी, और वो मरकुरी है, मरकुरी है, हाँ पार, ओके पार, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ओके ठीक है। तो हम अभी अपने, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो आज हमने पढ़ाया उसको बताएंगे आप सभी, ठीक है, मैसेज में आंसर करेंगे। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए शिव जी की तीन शक्तियां यहाँ पे स्वरूप बताया गया है, उनको सीक्वेंस में बताइए। मैसेज करें जल्दी से सभी लोग। यस रश्मि खारे जी आंसर करें। सर इसमें नाद बिंदु और कला स्वरूप परम शिव को बताया गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बलून फोड़ने चले हम। समाधि के पर्यायवाची शब्दों को बताएं। मैसेज करें समाधि के पर्यायवाची शब्द। साक्षी जी आंसर करें। ये राजयोग समाधि उन्मनि मनोन्मनि अमरत्वम न्यस्तत्वम और परम पदम अमनस्कम और द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तश्च सहजा और तुर्य। वेरी नाइस, समाधि के पर्यायवाची शब्द इनको याद कर लेना सभी लोग, ठीक है। समाधि की डेफिनेशन जो भी आपको याद है, अनिता जी मुझे बताएं। वेरी गुड, मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, निशा जी, तृप्ति जी, सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो, उससे परमानेंट प्रिंट हो जाएगा आपके माइंड में, इंसिडेंटल मेमोरी के अंदर। यस अनिता जी आंसर करें। समाधि की डेफिनेशन हार्टेड पर दीपिका में क्या है, बाकी मैसेज करें। वेरी गुड अरुणा जी, निशा जी, वेरी नाइस, निशा जी आंसर करें। सरल जी, विशाल जी, सर आत्मा और मन की जो एक रूपता है उनका एक हो जाना ही समाधि है। जिस प्रकार नमक और पानी मिलके एक हो जाते हैं उसी प्रकार आत्मा और मन का मिलके मिल जाना ही समाधि है। वेरी गुड, इसके अलावा और भी बताए गए हैं, बाकी लोग बताइए और। प्राण और चित्त की एक रूपता, जब जब प्राण क्षीण होकर मंद हो जाए और चित्त में लीन हो जाए तो उस अवस्था को समाधि। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सदगुरु के बिना, सदगुरु की कृपा या दया के बिना क्या चीज दुर्लभ है, तीन चीज है वो लोग मैसेज करें सभी जी, क्या दुर्लभ है। ज्ञान और सहज अवस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। तीन चीज है मैडम, आपने दो ही बताई। सर रिपीट द क्वेश्चन सर प्लीज। माय क्वेश्चन इज दैट ना सर, ज्ञान मुक्ति स्वरूप स्थिति सिद्धि, एक तो त्याग तत्व और ज्ञान सर, विषय त्याग तत्व दर्शनम और सहज अवस्था। वेरी नाइस, एक्सीलेंट सक्सेस जी, वेरी गुड। तो तीन चीज है, विषयों का त्याग, राइट नॉलेज यथार्थ ज्ञान, और सहज अवस्था यानी समाधि, ये तीनों दुर्लभ है बिना सतगुरु की कृपा के। लेकिन क्वेश्चन उठता है भैया वो सतगुरु भी सही होना चाहिए, राम रहीम बच के रहना, बहुत सारे सतगुरु हैं, उससे अच्छा तो अपने आप को ही सतगुरु बना लो, वो इच्छा है, गलत सतगुरु में जाने से अच्छा हम अपने आप में ही गुरु होते हैं।
हाँ, हम अपने आप में ही, हमारे अंदर भी आत्मा है। और स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं ये बात कि जब हम अपने आप में स्थित होते हैं ना, तो हमारे हृदय का से जो ज्ञान होता है वो अपने आप ही प्रफुल्लित होता है। ज्ञान को कोई अलग से डाल नहीं सकता, वो एक एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है, लेकिन ज्ञान अपने आप से आता है अंदर से। देखिए, हम अपने आप में खुद गुरु हैं, हमें रोकने वाला, हमें सही करने वाला भी ज्ञान ही हमारे अंदर बैठा गुरु है, जो हमें ये बोलते हैं कि ये सही है ये गलत है। हाँ, उसको जान पाते नहीं पाते वो बात अलग हो जाती है। ओके, ठीक है जी, तो हम लास्ट में अपना पारद वाला पॉइंट ले लेते हैं। चलिए, आप मुझे बताएंगे, एक नाड़ी वाला ले लेते हैं, आप लोग सही मिलान करके बताना। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो तमस गुण है किस नाड़ी से संबंधित है? चंद्र, चंद्र नाड़ी से। अच्छा, किस नाड़ी से हमारी आयु बढ़ती है? सुषुम्ना नाड़ी से। सुषुम्ना नाड़ी से, ठीक है। सरस्वती नाड़ी, सरस्वती नदी किस नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है? सुषुम्ना। अब सभी लोग ऐसे मैसेज करेंगे, जैसे सूर्य नाड़ी, यमुना नदी, रजस गुण, उद्दीन, इस तरीके से ईड़ा, सुषुम्ना, इसको जैसे एक ही साथ में मैसेज करेंगे, देखता हूँ कितने लोग बिल्कुल सारे सही टारगेट पॉइंट को पकड़ेंगे। कम ऑन, जल्दी से एक साथ मैसेज करना, तीनों नाड़ियों के नाम, गुणों के नाम, दिन रात। कमल कमल कमल, जितेंद्र जी ने टाइप किया है, खाली नदी नदी बताई है जितेंद्र जी ने, आधा बताया है, गुण नहीं बताए। विशाल जी ने आधा बताया, अंशु जी ने, हाँ एक बताया, तीनों का बताओ, तीनों का, देखता हूँ कौन मैसेज करेगा सबसे पहले। आर्य जी ने भी एक बताया, अंशु जी ने भी एक बताया, उल्का जी ने बताया है, वेरी गुड। चलिए, अलका अगवे जी, इन्होंने पूरा मैसेज सबसे पहले टाइप किया है, उसके बाद निशा जी है, उषा जी है, साक्षी जी ने शॉर्टकट मार के किया है, वेरी गुड। यस, अलका जी बताइए। जी सर, सर मेरा नाम उल्का है। उल्का, सॉरी जी, सॉरी। यस बताइए। सूर्य नाड़ी को यमुना नाड़ी कहते हैं और वह रजस नाड़ी है। नाड़ी, हाँ। यमुना नाड़ी, सॉरी, हाँ यमुना नदी और रजस पिंगला नाड़ी, ठीक है, चंद्र चंद्र गंगा तमस और ईरा नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती नदी कहते हैं और वह सत्व गुण को प्रेजेंट करती है। दिन रात वाला कंसेप्ट होना चाहिए। सूर्य नाड़ी को दिन कहते, दिन से प्रेजेंट करते हैं, और चंद्र नाड़ी को रात से। और सुषुम्ना? सुषुम्ना का नहीं पता सर। बाकी और कोई बताइए। सर टाइमलेस। वेरी नाइस, वो समय से अतीत है। हाँ, समय से परे है वो चीज, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं अपने चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण कौन कौन से हैं, जल्दी से मैसेज करें। वासना और प्लीज मैसेज करके बताए करो। यस,
नाउ रमन जी आप अब माइक खोल के समझाओ क्यों, कारण बताओ, यही कारण क्यों है? सर बताना है? हाँ बताओ जी बताओ। अपना जो चित्त है वो दो भागों में बटा गया है, जो वासना और चित्त प्राण। वासना जो है एक क्या हो गया रमन जी? रामानंद नाम है सर मेरा। रामानंद जी बताइए। जैसे आपने बताया सर कि जैसे पानी में पत्थर मारते हैं उसकी लहरें जो होती है, तो थोड़ा काम कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है ना? हाँ समथिंग समथिंग। ये कौन है हमारे? मृदुला जी को ध्यान से सुनना, मृदुला जी समझाएंगी। यस मृदुला जी कॉन्सेप्ट को समझाइए। थोड़ा सा ही पता है, कुछ ज्यादा गहराई में नहीं पता सर। ये है कि चित्त की वृत्तियों के दो कारण है हमारी, वासना और प्राण। तो कहते हैं जहाँ मन लीन होता है वहीं पे प्राण लीन होता है, और जहाँ पे हमारा प्राण लीन होता है वहीं पे मन लीन होता है। तो अगर क्या इनमें से एक भी नष्ट हो जाए तो कहते हैं कि दोनों ही नष्ट हो जाएगा। तो हमें जब इतना ही कॉन्सेप्ट पता है। वासना का अर्थ क्या है यहाँ पे? मीन्स जो हमारे सांसारिक, जो हमारे वो भोग विलास की वस्तु, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती है हमारी, तीव्र इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं, पास्ट इंप्रेशंस हमारे जो संस्कार होते हैं। यस साक्षी जी एक्सप्लेन करो दोबारा से पूरी लाइन को। एक्सप्लेन मतलब भैया वासना का मतलब है कि पास्ट इम्प्रेशन जो हमारी ऊपर रह जाते हैं, मतलब जो पहले के कुछ संस्कार रह जाते हैं, या फिर हमारी किसी चीज की कोई तीव्र इच्छा हो उस चीज का हमारे माइंड में वो रह जाए, तो वो भी एक चित्तवृत्ति का रीजन है। और एक प्राणा जो बोला है, जैसे कि हमारा प्राण एक जैसे माइंड चलता रहेगा तो प्राणा भी चलता रहेगा, अगर उसकी गति ज्यादा होगी तो हमारा जो माइंड है वो भी अनस्टेबल रहेगा। ये है वेरी गुड, सभी ने अच्छा बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पारद के ऊपर। चलिए इस तरीके से पारद का और प्राण का सही मिलान करके जल्दी टाइप करो ताकि आप सबको पक्का याद हो जाए। देखता हूँ जल्दी से एक साथ टाइप करना, मूर्छित पारद का सही मिलान किस प्राण के साथ है और उसके बाद में क्या उससे होता है। तीन चीज आएंगे, पारद, प्राण और उसके बाद में उसका बेनिफिट। कम ऑन जल्दी से टाइप करो, शॉर्टकट में भी कर सकते हो। टाइप मार से जान के करवा रहा हूं ताकि सबको याद हो जाए और सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कम ऑन कम ऑन सभी टाइप करो। अभी तक किसी का भी नहीं आया, शॉर्टकट में भी नहीं आया। सर ये समझ में नहीं आ रहा टाइप कैसे करें। अभी आएगा देखो, टाइप शॉर्टकट मारो, आप जानो कैसे शॉर्टकट करोगे। मूर्छित पारद को एमपी कर दो, छिन्न प्राण को कर दो और इसका बेनिफिट को व्याध्य कर दो, या जो आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, इतना तो टाइम नहीं लगता टाइपिंग करने में। सर वैसे बता दो सर, ये देखो मनीता जी ने देखो कितने अच्छे से टाइप किया, बराबर का निशान लगा के किया, कितना अच्छे से सिस्टमेटिकली, लेकिन दो किया तीसरा छोड़ दिया इन्होंने। अरुणा जी ने कंप्लीट किया है, वेरी गुड, लेकिन इन्होंने इसका बेनिफिट छोड़ दिया। रश्मि जी ने दो किया मैडम, अच्छा अच्छा हाँ कोमा लगा के तीनों कर दिए, वेरी गुड, रश्मि जी ने पूरा किया है। निशा जी ने तो पूरा गैप दे दे करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, निशा जी ने क्लियरली बता दिया है। यस निशा जी आंसर करें। सर मूर्छित प्राण जो मूर्छित पारद जो है इसमें जो है प्राण वायु छीण होती है और व्याधियों छीण प्राण होता है और व्याधियों का नाश हो जाता है, और जो मृत पारद है उसमें प्राण वायु लीन प्राण वायु होती है और मनुष्य उसमें साधक में जीवनी मनुष्य में जीवनी शक्ति
होती है, और जो ये ठोस पारद है उसमें कुंभित अवस्था होती है, और जो ये अंतर आकाश का हो जाता है प्राणवायु का अंदर प्रवाहित होती है। एग्जैक्ट जो आपने सही लिखा लेकिन छोटी सी गलती कर दी। अभी देखिए जैसुरी उम्रे मैडम ने एक मैसेज किया है, और ऐसा ही मैसेज एक मनीता जी ने भी किया है, उन्होंने एक चीज बीच में डाली है प्लस का निशान, वो आप भूल गई, और ये प्लस बहुत जरूरी है। इसका आंसर बताएं प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं, बोलने में भी आपने नहीं बोला प्लस को, सुनने को कह रही थी। ओके मनीता जी, मानती मानती योगा केयर जी से मैं समझना चाहूंगा इसको दोबारा से। मेरा तीसरा ना छूट गया था इसलिए मैंने नहीं लिखा था, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। तो सर इसमें दो लिखा है मैंने, मूर्छित पारद और सर प्लस जो क्षीण वृत्तियां होती है, जो क्षीण प्राणवायु है उनसे मिल उनका जो रिजल्ट आता है सर वो आता है कि जो हमारे प्राण की व्याधि होती है ना वो नष्ट हो जाती है। सेकंड हमारा मृत पारद था प्लस जो प्राणवायु होती है हमारी वो लीन होती है जो हमें जीवनी शक्ति देता है। तीसरा सर मैंने अभी मैसेज में देख के कम्प्लीट किया है तो गलती हो तो सर देखना। जो हमारा तीसरा सर विशिष्ट प्रक्रिया पारद है, इसमें जो प्राण की स्थिति होती है ना वो कुंभित होता है, और इनका जो रिजल्ट होता है वो अंतराकाश होता है। सर ये अंतराकाश थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, समझ मैंने खुद नहीं समझा है। अंतराकाश का मतलब कि प्राण ऊपर की तरफ उठ जाता है, अंतराकाश का मतलब दो चीजें यहाँ पे है। हम सामान्य रूप से तो हम ये बोलेंगे आकाश में उड़ने लग गया साधक को, आकाश गमन की शक्ति मिल गई सामान्य अर्थ, लेकिन एक्चुअल में उड़ता नहीं है वो, प्राण ऊपर उठता है अंतराकाश में, उसको उड़ान बोला गया है उड़ना। सर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं? यस आर्य जी बताइए। सर जैसे मूर्छित प्राण के बारे में कि जैसे कि शरीर की बीमारियों को क्षीण करता है, और जो गंधक का बताया इसमें गंधक भी उसी तरह शरीर की बीमारियों पर यूज होता है जो शोधित गंधक होता है, और जो सर पारे की बात करते हैं तो पारा वो चंचल होता है और वो हानिकारक भी होता है, यदि वैसे उसको हम मतलब किसी पात्र में ना रख के जैसे कि कांच के अंदर रखा जाता है उस तरह ना रख के तो हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए भी, तो उसी तरीके से सर मन भी चंचलमान होने से हमें बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है और हमारी हानि कर सकता है शरीर की सर। तो ये शोधित जो ठोस पारे की जो बात हुई है सर, यहाँ पे शोधित गंधक के बारे में बात हुई है कि जो शरीर को मतलब बीमारियों से, जो बीमारियों के लिए जिसको हम यूज करते हैं बीमारियों में, मतलब आयुर्वेद में यूज करते हैं शोधित गंधक को सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। हाँ याद आ गया, धूम्रपान में है ना, आप उसी की बात कर रहे हो ना, जो आयुर्वेद में जो धूम्रपान की जो टेक्निक होती है उसमें। जी जी सर, थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। ओके चलिए, तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए ऑलमोस्ट, ट्रांसफर करते हैं। चलिए तो चलिए मैं आर्य जी से निवेदन करता हूँ शांति पाठ के लिए, और फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। ये सनातनी जी, सनातनी महेश आर्य नाम है शायद आपका। जी सर, शामली से आप ही हो ना, शामली से? बागपत से सर, बागपत से सर, बागपत शामली के पास, सॉरी 40-50 किलोमीटर। ओके यस जी, बताइए शांति पाठ कर रहे हैं। हम सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके कोमलता से आंखों को बंद करके शांति से बैठ जाएंगे, और ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति विश्व देवा शांति वनस्पति शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति 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 सर्वभ्यो नमः। नमस्ते सभी को, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। सभी लोग लेफ्ट कर जाइए।
धन्यवाद सर, रिकॉर्डिंग अपने आप को हो जाएगी। वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाएगी सर।